नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं आपका दोस्त शशांक। एक बार फिर से मेरे चैनल ब्रिलियन टेक्नोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। हसनापुर के शहर के पास के एक गांव की बाबूराम नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 5 वर्षीय एक बेटी थी जिसका नाम विशाली था। विशाली को ब्लड कैंसर होता है और बाबूराम उसका सारे डॉक्टर्स को दिखाता है अपनी बच्ची को, लेकिन सारे ही डॉक्टर्स उसको लाइलाज कर देते हैं, कहीं से उसकी बचने की उम्मीद नहीं होती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि इलाज के दौरान जो विशाली होती है 5 साल की जो बच्ची होती है जिसको कैंसर होता है वो एक दिन मौत की नींद में सो जाती है। जब ये खत्म हो जाती है तो बाबूराम बहुत ज्यादा रोता है और इसका जो परिवार होता है क्योंकि इनकी इकलौती बच्ची होती है, इकलौती बेटी होती है इस घर में और कोई बच्चा नहीं होता है, तो ये विधि विधान के साथ रात में इसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे होते हैं। लेकिन पास के ही गांव में एक 35 वर्षीय महिला का ट्रक हादसे से उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार वाले भी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन रास्ते में क्या होता है कि जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, वैसे हिंदू समाज में ऐसा होता है कि जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं वो सुबह के टाइम में यानी दिन के टाइम में किए जाते हैं। जिस गांव में ये लोग रहते थे उस गांव में एक बाबा हुआ करते थे, तो उन जितने भी कार्य वो लोग किया करते थे तो इन बाबाओं से ही पूछ के किया करते थे, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता था इस गांव में कि अगर कोई अपनी ही मौत अगर कोई मरता है तो उसका अंतिम संस्कार दिन में होगा, या किसी हादसे से वो किसी दौरान मरता है तो उसका अंतिम संस्कार रात में होगा। तो ये रात में अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, तो जब रास्ते में उस बच्ची का जब शव लेके जाया जा रहा होता है तो ये इसके परिवार में जो 35 वर्षीय जो महिला होती है अनीता, जिसका ट्रक दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो जब उसके परिवार वाले भी रास्ते में उसको लेके जा रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है कि अनीता की जो आत्मा होती है उस 5 वर्षीय विशाली की शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जब ये विशाली को लेके जा रहे होते हैं तो ये महसूस करते हैं इसके पिता की विशाली की शरीर में कुछ हलचल सी हो रही है, तो आसपास में जो लोग होते हैं साथ में वो भी इस चीज को देखते हैं और तब तक विशाली को होश आ जाता है। ये खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद अपनी बच्ची को घर लेके जाते हैं। कुछ दिन तक तो विशाली जो होती है वो एक कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि उसके मामा घर पर आते हैं और विशाली को अपने साथ ले जाने के लिए बोलते हैं, तो उसकी माँ क्या करती है कि अपनी बच्ची को तैयार करती है और विशाली से पूछती है कि तुम अपने मामा के साथ जाओगी, तो विशाली हाँ कर देती है, क्योंकि दरअसल वो विशाली होती ही नहीं है। उस विशाली के शरीर में उस अनीता नाम की आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है जो कि इनके घर में किसी को नहीं पता होती है। विशाली तो मर चुकी होती है। उसके बाद में जब विशाली को उसकी माँ उसके मामा के यहाँ लेकर जा रही होती है तो रास्ते में ये बस में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में जिस जगह पे अनीता का घर था तो वो विशाली अपनी माँ से बोलती है कि मैं जो यहाँ उतरना है क्योंकि यहाँ पे मेरा घर है। उसकी माँ खैर इस बात को नजरअंदाज कर देती है, सोचती है कि ये छोटी बच्ची है शायद ऐसी बोल रही होगी, और वो मुस्कुराकर इस बात को नजरअंदाज कर देती है। ये खैर अपने मामा के यहाँ पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में विशाली वहां पे बहुत अच्छे से रह रही होती है, लेकिन क्योंकि विशाली जो लड़की होती है वो तो मर चुकी होती है, उसके शरीर के अंदर अनीता नाम की औरत की आत्मा प्रवेश कर चुकी होती है। सिमरन जब विशाली के यानी विशाली के मामा के घर आती है तो विशाली एकदम सिमरन का नाम बोल देती है कि तुम सिमरन हो, तो ये देखकर जो सिमरन होती है वो चौंक जाती है कि इस बच्ची को मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि ये तो इतनी छोटी है और यहाँ पहली बार आई है और इसने मुझे पहली बार देखा है, क्योंकि जो सिमरन होती है वो अनीता के ही गांव की होती है और अनीता की जो आत्मा होती है वो विशाली के शरीर में होती है। तो जो विशाली होती है यानी अनीता उसको पूरी बात बताती है कि मैं मरी नहीं थी, मेरा ट्रक के दौरान मेरा हादसा हुआ था जिसके दौरान मैं बेहोश हो गई थी और मेरे परिवार वाले जो थे वो मेरा अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे होते हैं, जिन्होंने मेरा उपचार नहीं कराया जिसके दौरान मेरे प्राण निकल जाते हैं और मेरी जो आत्मा होती है वो विशाली के शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और फैलने के बाद में फिर इस चीज का कैसे समाधान हो, तो पूरे परिवार वाले और पूरे गांव में सब लोग बैठकर इस बात का एक फैसला लेते हैं, जो विशाली से बात करते हैं कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तो विशाली यानी विशाली की शरीर में अनीता की आत्मा होती है, तो वो आत्मा बोलती है कि मैं अपने ही घर में रहना चाहूंगी, यानी विशाली के घर में नहीं रहना वो चाहती थी। लेकिन दोनों ही परिवार के लोग बोलते हैं कि देखो आत्मा तुम्हारी बेशक विशाली के शरीर में है लेकिन ये शरीर भी तो विशाली का है, तो अगर तुम दोनों परिवार के साथ रहोगी तो दोनों ही परिवार खुश होंगे। तो खैर वो मान जाती है और मानने के बाद वो दोनों परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है।
तो दोस्तों मेरा आपसे यही सवाल है, क्या इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं, क्या सच में इस तरह की कोई कहानी होती है, क्या सच में इस तरह से आत्माएं शरीर में प्रवेश करने के बाद में वो शांति से अपना जीवन बिता सकती हैं? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें आके बताएं, क्या ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं या नहीं होती हैं, क्या प्रेत आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।